सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गाइस आज की दुनिया में सब कोई व्हाट्सअप चलाता है ना, आप भी चलाते होंगे। जो भी व्हाट्सअप यूज रहेंगे सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गाइस आज के कैसा मतलब ऐसा होता है कि हम कुछ भी हमारा अपडेट आता है, फिर कहीं भी कुछ भी करते हैं तो सिंपली हम एग्री कर देते हैं बिना जाने पहचाने। एंड गाइस आज की वीडियो में बताने वाला कि आपको भी ऐसा इस टाइप का एग्री करने का ऑप्शन आया होगा। अगर आप एग्री कर दिए हो तो उसको बताने वाला कि आप मतलब क्या होने वाला है एंड आप किसे क्या कर दिए हो। एंड जो नहीं किए हैं उनके लिए कि समझ लो कि मतलब आखिर ये है क्या एंड कैसे है, मतलब क्यों आया ये सब। एंड गाइस इस एग्री के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि आपका जो व्हाट्सअप है फेसबुक के साथ कनेक्ट होने वाला है एंड उससे आपको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन आपको करना पड़ेगा, मतलब आपको क्या फ़ायदा होने वाला है क्या लॉस होने वाला है। सो सबसे पहले बता दूं कि आज की दुनिया में डिजिटल की दुनिया को पता कि मतलब कितना इम्प्रूव हो चुका, कितना बढ़ चुका, तो इसी को देखते हुए व्हाट्सअप ने आपके प्राइवेसी के लिए कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन लागू किए हैं जो कि आपको पता है कि मतलब क्रिया है क्या। अगर आप इसको एग्री करते हो तो सिंपल आप व्हाट्सअप यूजर हो, एक व्हाट्सअप यूजर मतलब आप व्हाट्सअप चला सकते हो। अगर आप एग्री नहीं करते हो तो आपको जो अकाउंट है फाइनली डिलीट किया जाएगा। आपको देख सकते हो यहाँ पे मैसेज देख सकते हो, यहाँ पे लिखा कि आपका जो अकाउंट है डिलीट किया जाएगा एंड आपका जो परमानेंटली व्हाट्सअप यूज़ नहीं कर सकते हो अगर आप एग्री नहीं करते हो। तो आपको बताने वाला पूरा कि मतलब इस एग्री करने के पीछे आखिर है क्या, इस प्राइवेसी के पीछे, इस टर्म्स एंड कंडीशन के पीछे आखिर है क्या, मतलब क्या बताना चाहता है व्हाट्सअप एंड हमारे पीछे ये क्यों लागू किया एंड पूरा फुल डिटेल बताने वाला इस वीडियो में। तो वीडियो में इतने बने रहेगा। उससे पहले गाइस मेरा नाम है शैलेश और आप देख रहे हो एस ग्रू टेक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस पहला कंडीशन आपको बता दो कि पहले हम क्या करते थे कि जो भी मैसेज हमको सेंड कर देते हो तो उसे देखने से पहले अपने एवरीवन करके डिलीट कर देते थे, उससे कि आपका जो सेंडर है मतलब जो भी आप रिसीवर है वो आपका प्रॉपर मतलब मैसेज नहीं देखता था। बट ऐसा नहीं है, अगर आप मैसेज को सेंड करते हो अगर वो नहीं देखा तो उससे पहले आप एवरीवन करते हो तो आपका जो व्हाट्सअप है आपका मैसेज को 30 दिन तक जो आपका अंडर में रखेगा, मतलब उसके अंडर में रहेगा। पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, जो आपका जो व्हाट्सअप का जितना भी डिवाइस का जितना इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में, जो भी कोई कौन सा मोबाइल चलाते हो आप, कौन सा आपका कितना नंबर है इसमें, कौन सा डिवाइस, कौन सा नेटवर्क है आपका, सब कुछ जो जितना डाटा आपका सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका व्हाट्सअप कलेक्ट करेगा, वो आपका जो है दूसरे ऐप में आपका कम्युनिकेशन करेंगे। तो आप समझ सकते हो आपकी प्राइवेसी क्या होने वाला है। थर्ड कंडीशन आपको बता दो, सबसे पहले क्या है कि अपना जो लोकेशन सर्विस था आप किसी के साथ मतलब इजीली शेयर कर सकते थे, मतलब करते थे पहले कि उसके लोकेशन शेयर कर दिया एंड वो वहाँ से आपको देखता था कि आप कहाँ हो कहाँ नहीं। बट आपका जो लोकेशन है आपका जो इजीली आपको देख सकता है कोई भी कहाँ पर कहाँ नहीं। फोर्थ कंडीशन क्या है कि आपका जो लोकेशन है आप इजीली शेयर कर सकते थे बट आपका जो विदाउट शेयरिंग आप बिना शेयर के जो आपका जो लोकेशन है इजीली आपका जो व्हाट्सएप आप कलेक्ट करेगा, आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो, कहाँ गए हो, आपका सारा जो आईपी एड्रेस जितना भी लोकेशन आपका डाटा है सब कुछ आपका जो व्हाट्सएप आपका कलेक्ट करके रखेगा एंड सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास रखेगा। कंडीशन नंबर 5 है कि अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको एग्री करना पड़ेगा, जो भी आपका नोटिफिकेशन आया वो आपको एग्री करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो। एंड गाइस कंडीशन नंबर 6 आपका है तो आपका जो फ़ोन नंबर ट्रांजिशन डाटा है सब कुछ आपका जो है व्हाट्सएप कलेक्ट करके रखेगा, मतलब आप समझ सकते हो आपका जो डाटा है मतलब आप कौन सा बैंक में, आपका जितना भी अकाउंट का सब कुछ है, आपका जो फ़ोन डाटा कितना नंबर कहाँ से कॉल किया सब कुछ आपका जो इन्फॉर्मेशन है आपका व्हाट्सअप पर रखेगा, कलेक्ट करके रखेगा। तो समझ सकते हो। 7 कंडीशन जो आपका पहले आपको क्या आता था कि आप अभी भी आप फ्री चलाते हो, आपका ऐड भी नहीं आता, आपका थर्ड पार्टी का कोई भी ऐड नहीं आता, बट आपका जो कुछ दिन बाद कुछ महीने बाद आपका जो एड्स भी आना शुरू हो जाएगा, थर्ड पार्टी का एफ मतलब जो भी आपका एड्स आता है वो आपका आएगा ही। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 8 कि 16 साल के कम बच्चे हैं जो भी हैं लड़का लड़की वो आपको व्हाट्सअप नहीं चला सकते, जो भी आप व्हाट्सअप यूजर होंगे वो 16 साल के प्लस होंगे। तो आप समझ सकते हो कि बच्चों के लिए व्हाट्सअप अब नहीं रहा। एंड कंडीशन नंबर 9 कि अगर आप व्हाट्सअप में कुछ भी स्पैम करते हो, मतलब कुछ भी आप शेयर करते हो गलत चीज़ या फिर गलत वर्ड वहाँ पे कुछ भी शेयर करते हो, मतलब जो मन से पहले होता था ना कि कुछ भी शेयर कर देते थे, फॉरवर्ड कर देते थे, कुछ भी मैसेज आया उसको फॉरवर्ड कर देते थे, बट अभी का ऐसा नहीं है, आप कुछ भी मैसेज शेयर नहीं कर सकते हो, कुछ भी गलत मैसेज शेयर नहीं कर सकते हो, उससे जो आपका जो अकाउंट है फिर भी मतलब परमानेंट लगभग डिलीट कर जाएगा एंड आपको व्हाट्सअप की तरफ से कुछ भी आपको नोटिफिकेशन भी आएगा और आप वापस जो अकाउंट है डिलीट कर सकते हैं। तो आप सतर्क रहना होगा कि आप कैसे कर सकते हो, कैसे उसको कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा बता दिया सारा टर्म्स एंड कंडीशन, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड सबको पता चलना चाहिए जितने भी व्हाट्सअप यूजर हैं, क्योंकि गाइस ये आपका जो प्राइवेसी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना के लिए। अगर आप एग्री करते हो तो उसके पीछे क्या था, इस प्राइवेसी के पीछे क्या था, पूरा इस वीडियो में पूरा डिटेल बता दिया।
कि अब आप पे डिपेंड करता है कि आप करते हो कि नहीं करते हो, एग्री करना है कि आपको नहीं करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको पता चल गया हो कि इस पीछे, इस एग्री के पीछे, इस प्राइवेसी के पीछे क्या था एंड आपको क्या क्या करना, आपको पता मतलब आपको डिसाइड करना, सबके साथ शेयर करो एंड आई होप आपको पता चल गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड गाइस इस तरह से हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स देख रहता हूँ। तो मुझे अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करता तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में मुझे फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।